अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। थाना मटसैना पुलिस द्वारा अपनी 3 माह की बच्ची नीलम की हत्या करने वाले अभियुक्त पिता मायाराम को किया गया गिरफ्तार। दिनांक 18/9/2019 को थाना मटसैना पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम मिश्रीपुरा के बाजरे के खेत में करीब 3 माह की बच्ची का शव पड़ा हुआ है। उक्त सूचना पर तत्काल ही क्षेत्र अधिकारी सदर प्रभारी निरीक्षक मटसैना मय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पूछताछ की तो पता लगा कि बच्ची मायाराम पुत्र श्री कृष्ण निवासी बटेश्वर थाना बाह जनपद आगरा की है, जिसकी पत्नी विवाद के कारण अपने मायके थाना मटसैना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मिश्रीपुरा आई हुई थी। दिनांक 17/9/2019 को रात्रि करीब 11 बजे पिता मायाराम अपने ससुराल ग्राम मिश्रीपुरा आया, जिसका अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया और वह बच्ची को खिलाने के बहाने ले गया और बच्ची की घर में इस्तेमाल होने वाले चाकू से गला रेत कर ग्राम के ही पास बाजरे के खेत में फेंक कर फरार हो गया। उक्त घटना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मटसैना मय पुलिस टीम द्वारा तलाश वांछित अपराधीगढ़ के दौरान आज दिनांक 19/9/2019 को दतावली सर्विस रोड आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे से अभियुक्त मायाराम को मय आला कत्ल सहित गिरफ्तार किया गया है। देखिए फिरोजाबाद से हमारे विशेष संवाददाता प्रशांत शर्मा की एक खास रिपोर्ट। देखिए ये मिश्रीपुर हमारे मटसैना क्षेत्र का एक गाँव है। यहाँ की एक लड़की मंजू, इसका इसकी शादी हुई थी बाह क्षेत्र में बटेश्वर के पास में मायाराम से। तो ये मायाराम और इसकी पत्नी मंजू का आपसी कोई विवाद रहता था। उस विवाद के चलते अभी 20 दिन पहले ये मंजू घर चली आई थी, अपने मायके चली आई थी। उसके पास उसकी 2.5 महीने की बच्ची थी नीलम, वो थी यहाँ पे। परसों रात में उसका पति जो मायाराम है वो लगभग 11 बजे वो घर पे आया और घर पे आके अपनी बच्ची के साथ खेलने लगा। तो इन्होंने सोचा कि भाई अब इसका बच्ची का बाप है, खेल रहा कोई बात नहीं। वो खेलते खेलते उसको बाहर ले गया, बाहर ले जा करके वो बाजरे के खेत में ले गया और वहाँ उसने जो घर का चाकू होता है उससे उसकी गर्दन काट दी। वो गर्दन काट के उसको मार के भाग गया। ये लोग रात भर बच्ची को ढूंढते रहे और सुबह उसका जो शरीर है, मृत शरीर, वो बाजरे के खेत में मिला रक्तरंजित। इसकी सूचना फिर पुलिस को दी गई, पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची और उसने फिर वो सबको कब्जे में लिया। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि उसका पति जो है ने गुस्से में आकर के, क्योंकि ये यहाँ पर रहती, इसको सबक सिखाने की नीयत से उसकी हत्या की है।